नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देख न्यूज में। बीते दिनों दिल्ली में अंजलि को कार सवार युवकों ने 14 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा था। इस हादसे में अंजलि की मौत हो गई थी। दिल्ली में कार से घसीटने की एक और वीडियो सामने आई है। कार सवार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद स्कूटी सवार युवक कार की छत पर उछल कर चला गया। इसके बाद कार सवार ने युवक को करीब 350 मीटर तक सड़क पर घसीटा। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूटी पर 2 लोग सवार थे। इस हादसे में युवक की मौत हो गई है, वहीं दूसरे युवक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। दिल्ली पुलिस की DCP नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनानी के मुताबिक यह हादसा 26 जनवरी की देर रात का है। पुलिस ने प्रेरणा चौक और कन्हैया नगर के बीच गश्त के दौरान देखा कि एक कार ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी चला रहा युवक कार के विंडशील्ड से चिपक गया, वहीं एक स्कूटी पर बैठा दूसरा युवक जमीन पर गिर गया। पुलिस ने बताया कि कार और स्कूटी की टक्कर के बाद भी कार सवार ने कार नहीं रोकी। कार सवार स्कूटी चला रहे युवक और स्कूटी को करीब 350 मीटर तक घसीटता रहा। आरोपी शराब के नशे में थे। PCR वैन ने कार का पीछा किया और 2 आरोपियों को पकड़ लिया। बाकी 3 आरोपी भाग गए। बाद में उन 3 आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ ही लिया। इस हादसे में स्कूटी चला रहे युवक की मौत हो गई, वहीं स्कूटी पर बैठा दूसरा युवक उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। हादसे के इस वीडियो को ANI ने ट्वीट करके शेयर भी किया है। मिली जानकारी के मुताबिक कार सवार ने स्कूटी सवार युवक को करीब 350 मीटर तक घसीटा। हादसे के वक्त स्कूटी पर 2 लोग सवार थे। हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं दूसरे युवक की हालत गंभीर है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो में केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देख न्यूज़।